और मेरा ये ईमान उसके पाक घर में खड़े होके उसकी पाक किताब पे हाथ रख के जो भी झूठी कसम खाएगा उसकी सिर्फ आखिरत ही नहीं उसकी दुनिया भी मुश्किल में आ सकती है। और बेशक बेशक मेरा रब बहुत रहमान है। चलो इस पे हाथ रख के कसम खाऊं कि तुमने अरीम पे जो जो इल्जामात लगाए हैं वो सच है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास तुम पे भरोसा करने का कोई रास्ता नहीं। क्या हुआ नासिर, खामोश क्यों हो गए? ठीक है, मंजूर है मुझे, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी अगर तुमने काम पूरा ना किया तो याद रखना कि मैं अपना बेटा खोऊं या गवा दूं, लेकिन तुम अपनी दूसरी टांग भी जरूर गवा दोगे। मैं किसी के साथ भी फिरूं या किसी से भी शादी करूं, तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हारी जहरीली सोच और मनफी जज्बा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बारात खाली हाथ न भेजी होती, मेरे घर में ऐश कर रही होती तुम। एक जलील इंसान के साथ ऐश भरी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान तपती धूप में
गर्म रेत पर भटकता फिरे। कम से कम सही रास्ता मिल जाने की उम्मीद तो होती है। तुम भटको अपने घुमराई के जंगल में, अपनी जिद और इंतकाम की आग में जलते रहो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी लाई हुई आग ही काफी है, इस दुनिया के लिए भी और उस दुनिया के लिए। सरीनी आपके लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, आपका काम मुंह से बोलता है। वाकई आप बहुत मेहनत और लगन से काम करती हैं। आई एम वेरी लकी मुझे आप जैसी असिस्टेंट मिली। सर क्या आप अपने घर जा सकती हूँ? अभी थोड़ी देर आप रुक सकती हैं? मैं चाह रहा था दोनों पार्टीज आ जाएं, अरेंजमेंट देख लें, फिर मैं आपको ड्रॉप करवा दूंगा। मैं तो क्योंकि रुकूंगा देर तक। जी मैं बाद में चली जाऊंगी। हाँ कोई मसला नहीं है, मैं ड्रॉप करवा दूंगा। मुझे लगता है आ गए लड़की वाले। Excuse me. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुदस्सिर है। ये आज का जो अरेंजमेंट है ये मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने किया है। नाइस। मैं आपको अपनी असिस्टेंट से भी मिलवाता हूँ। हरीम।